अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जानी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले आज के मौज़ूआत। नवाज शरीफ के खिलाफ आसिफ अली जरदारी का ऐलान जंग। नवाज शरीफ ने 90 की दिहाई की सियासत दोबारा शुरू कर दी। इंतकामी सियासत के भयानक नतायज निकलेंगे। हम मुआफी मांगकर जद्दा जाने वाले नहीं, आसिफ अली जरदारी की वार्निंग। क्या इमरान खान और आसिफ अली जरदारी हुकूमत के खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे? कोई टीवी चैनल अल्ताफ हुसैन की तकरीर नशर करने की जुर्रत न करे, लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। 3 रुकनी फुल बेंच ने मुत्तहिदा के कायद की बरतानवी शहरियत और तमाम तकारीर का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। सुजैन राइस पाकिस्तानी हुक्काम को क्या पैगाम दे गईं? ओबामा की सिक्योरिटी एडवाइजर के सामने पाकिस्तानी हुक्काम ने भारतीय अजाइम से कैसे पर्दा उठाया? सबसे पहले बात करते हैं मुफाहमती सियासत की, जो शायद आज दम तोड़ गई है। आसिफ अली जरदारी साहब की वार्निंग, उसी पर हम आज बात करेंगे। उनका बयान लंदन से जारी हुआ है तफसीली, उस बयान में क्या कुछ लिखा है, तफसीली तज़िया एक एक लाइन का, एक सवाल का, एक नुक्ते का हम आज के प्रोग्राम में पेश करेंगे। लेकिन शाम साहब, मैं पहले चाह रहा हूँ कि कुछ अर्सा पहले जरदारी साहब ने एक और वार्निंग इशू की थी, जरा वो भी सुनने लगे हाथों, जो इस्लामाबाद में उनकी इस्लामाबाद में थी, वो देखिए जी। चलिए, पता है कि मुल्क को कितना खतरा है, मुशर्रफ को नहीं पता था। अगर उसको पता होता तो वो ऐसी बातें नहीं करता जो उसने की। हम समझ रहे हैं कि कुछ दिलों में दोबारा उमंगें उठ रही हैं पावर पॉलिटिक्स करने की, इसलिए मैंने सारी सियासी पार्टियों को अपने साथ रखा हुआ है। उन सब दोस्तों को बता देना चाहते हैं जो हमारी जरूरत को ललकार रहे हैं कि होशियार हो जाओ, खबरदार रह जाओ, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जब मैं खड़ा हो गया तो सिर्फ सिंध की सड़कें बंद नहीं होगी, सिर्फ पोर्ट बंद नहीं होगा, खैबर से फाटा से कराची तक बंद होगा, और जब तक मैं कहूंगा तब तक बंद रहेगा, उससे पहले नहीं खुलेगा। हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। हमें पता है कितने कोर्टों में केस चल रहे हैं, उनकी लिस्ट लेके जिस दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपकी ईंट से ईंट बढ़ जाएगी। और ये हमारी आर्मी है, ये हमारा इंस्टीट्यूशन है, आपने 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है, तो हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर सिर्फ आप सिर्फ जंगों से डरते हो तो हम जंग करना जानते हैं। हम आपको कमजोर नहीं करना चाहते, तो सुचार होशियार 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 मैं कह दे रहा हूं आपसे आज। इसके बाद अगर मैंने कभी सुना तो मैं खुद खड़ा होकर एक पूरी लिस्ट निकालूंगा पाकिस्तान जब से बनाए आज तक की, और फिर आप जवाब देते रहे। तो बुनियादी तौर पर ये वार्निंग नंबर 2 थी जो आज मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आई है जरदारी साहब की जानिब से। इसे वार्निंग ही समझा जाए या ये किस कदर संजीदा हो सकती है? देखिए, ये जो जरदारी साहब की तकरीर है, इस पर मुझे पंजाबी का मुहावरा याद आ रहा है। वो क्या सर? डिग्गी खोते तो गुस्सा कुमारते, यानी गधे से गिर पड़ी और कुमार पर गुस्सा उतार रही है। बात यह है कि जरदारी साहब के खिलाफ या उनके जमात के जिम्मेदारों के खिलाफ जो भी कार्रवाइयां हो रही हैं, उनमें आखिरी इत्तलाआत की हद तक नवाज शरीफ साहब की कोई ख्वाहिश या हाथ शामिल नहीं है। ठीक, उनकी तशवीश तो इसमें मुझे शामिल मालूम होती है। सही,
और उसकी वजह यह है कि आज आप देखें कि परवेज रशीद साहब जो वफाकी वजीर इत्तलात है, जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि 90 की दहाई की सियासत शुरू नहीं हो सकती। हाँ। उसे बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ दफन कर चुके हैं। ठीक है। और जहां तक डॉक्टर आसिम साहब की गिरफ्तारी का ताल्लुक है, वजीर आजम ने खुद इस पर रिपोर्ट तलब कर ली। कह रहे हैं इस बयान से पहले ही कर चुके थे वो रिपोर्ट, ठीक है ना, और हम पेश कर रहे हैं रिपोर्ट। तो जरदारी साहब का गमो गुस्सा बजा है, उनकी पार्टी के लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं ये भी बजा है, और उनके बड़े करीबी साथी डॉक्टर आसिम को पकड़ा गया है ये भी बजा है। यही मैं आपसे जानना चाहता कि डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी ही मेल्टिंग पॉइंट है जिसने जरदारी साहब को ये स्टेटमेंट जारी करने पर मजबूर किया। लगता यह है कि डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी जो है वो अब तक के जो ऊंट के ऊपर बोझ था ना, वो आखिरी तिनका है उसका। ठीक। अब ये जो इनकी डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी है और बाकी गिरफ्तारियां हैं, इनमें एक बड़ा फासला है। जो दूसरे वारंट हैं वो तो एक वाज़े इल्जामात के तहत एक वफाकी अदारे की तरफ से या नैब की तरफ से जारी किए गए हैं। ठीक। लेकिन जो डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में पता नहीं चल रहा कि इल्जामात की नौइयत क्या है। और पहले तो ये कहा कि एक हसास अदारे ने पकड़ लिया है। ठीक। फिर खबर आई कि नैब ने पकड़ा है, फिर खबर आई कि नहीं, वो रेंजर्स की तहवील में 90 रोज के लिए, और मालूम हुआ कि उनका रिमांड भी 90 रोज का ले लिया गया। ठीक। उसके बाद कायम अली शाह ने ये बात कही कि मैंने रेंजर्स के डीजी से मालूम किया है और जो बातें उन्होंने मुझे बताई हैं वो कमजोर शवाहिद हैं और वो 2-3 दिन के बाद घर आ जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि इससे पहले भी एक मीटिंग में डीजी रेंजर्स ने कुछ ऐसे सबूत दिए थे जो मेरी दानिश में इतने जरूरी या कोई सॉलिड नहीं थे। सॉलिड नहीं थे, हमने इग्नोर कर दिए। हाँ जी। अब क्योंकि वकील भी है ना कायम अली शाह साहब, तो अब देखिए अब ये खबर ये आई, एक खबर ये आई कि इनके ताल्लुकात एमक्यूएम से, उनकी पादाश में इनके पकड़ा गया। एक खबर ये आई कि इनके जो अस्पताल हैं जियाउद्दीन अस्पताल, हाँ, उनकी उनके ये जियाउद्दीन, डॉक्टर जियाउद्दीन हमारे एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे, हमारी तहरीक आजादी के एक बड़े रोशन चिराग हैं, उनसे इनका नस्बी ताल्लुक है, उनकी याद में जो अस्पताल कायम है वो इनके सरबरा हैं, और ये जो अस्पताल है इनकी एम्बुलेंसेस जो है उनमें असला ढोया जाता था, असला लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होती थी। यह खबर आई, और फिर साथ ही यह खबर भी आपने देखा कि अब्बासी शहीद अस्पताल जो है वहां के एक बड़े जिम्मेदार शख्स को गिरफ्तार किया गया जिसने निशानदेही की और कब्रिस्तान में दबाया हुआ असला बरामद हुआ। ठीक। तो आप एक ये सारी जो सूरत बन रही है इससे आप एक तरफ तो ये देखिए कि कराची में जो दहशतगर्दी है वो गहरी कितनी है और कहां कहां लोग इसमें मुलव्वस हैं और किन किन अदारों में उन लोगों ने पनाह ले रखी है, ये एक बात। सही। लेकिन डॉक्टर आसिम साहब का क्या किरदार है इस मामले में, क्या उनके खिलाफ सबूत हैं, अभी तक कोई बात मुसद्दका तौर पर सामने नहीं आई। इसी बात का तो वो रोना रोने, हाँ यही बात कायम अली शाह और हम पहले भी ये बात अर्ज कर चुके हैं कि देखिए जब आप डॉक्टर आसिम वफाकी वजीर रहे, सेनेटर रहे, अब भी ये सूबाई वजीर के दर्जे में हायर एजुकेशन कमीशन के सरबराह के, सिंध के, हाँ जी, तो अब आपने अगर इनको गिरफ्तार करना है तो फिर इनके बारे में वाज़े शवाहिद पेश करने होंगे, अल्जाम आयद करना होगा। ये इस तरह की गिरफ्तारी ये वारा नहीं खाती, इससे हालात जो है काबू में नहीं रहेंगे। सही। और इस लिहाज से आसिफ अली जरदारी की बात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। वो कहते हैं कि सिंध में विफाकी इदारों की मुदाखलत और पकड़ धकड़ आईन के खिलाफ है। देखिए बात सुन लीजिए, अब मुसीबत क्या हो रही है, मुसीबत ये हो रही है कि एक तरफ तो करप्शन है, लूटमार की कहानियां हैं, लोगों के सेंटीमेंट्स हैं, दूसरी तरफ कायदे हैं, जाब्ते हैं, हमारा उलझा हुआ माजी है और हमारे जो हमारा ऐसा मुस्तकबिल है जो हमें खदशा नजर आता है कि ऐसा ना हो जाए कि ये भी उलझ जाए, उसमें फूंक फूंक का कदम उठाना चाहिए। ठीक है।
इस तरीके से आप क्विक मार्च नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। यहाँ नाज़रीन प्रोग्राम वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जो तफसीली बयान है आसिफ अली जरदारी साहब को, उसके मुदरजात का भी जायजा लेंगे और ये भी देखेंगे कि अब उनकी इस वार्निंग के बाद सियासी मंजरनामा मुल्क का क्या होगा। और लंदन से खबर है कि अल्ताफ हुसैन साहब और जरदारी साहब की मुलाकात की कोशिशें भी हो रही हैं। इसकी डिटेल्स क्या हैं, सब कुछ एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन जो बाकी मानदा हिस्सा है उनके बयान का, वो अब डिस्कस करते हैं। शाम साहब, इसमें उनके तरफ से लिखा गया है कि सिंध में ब्यूरोक्रेट्स को कभी नैब और कभी एफआईए के जरिए हिरासत किया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी सिंध और दीगर सेक्रेटरी जमानतों पर हैं। ये सब इंतकामी सियासत नहीं तो और क्या है? इस तरह सूबा सिंध को वजीर आजम हाउस के अहकाम के तहत मफलूज किया जा रहा है। पंजाब में सूबाई वजीर राना मशहूद की मियाँ साहिबान के लिए रकम लेते हुए वीडियो भी मंजर आम पर आ चुकी है, लेकिन उसे तो गिरफ्तार नहीं किया गया। देखिए, ये जो चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ जो कार्रवाई थी 1992 के एक वाकये के तहत ये हो रही थी और हमने अपने प्रोग्राम में भी इसका जिक्र किया था, इस पर एहतजाज किया था। देखिए, करप्शन के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। वो कोई सियासतदान हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई और शख्स हो जो करप्ट है, उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर करें। लेकिन कार्रवाई के भी एक तरीके हैं, कानून की किताबें हैं, कायदे हैं। ये देखिए, एफआईए जो है वो नैब का काम नहीं कर सकती, नैब पुलिस का काम नहीं कर सकती, पुलिस फौज का काम नहीं कर सकती, फौज रेंजर्स का काम नहीं कर सकती, और रेंजर्स को नैब का काम नहीं करना चाहिए। सारे काम जो कीजिए, ये हमने माजी में बहुत कुछ भुगता है। बड़े नारे लगाए हैं दिलफरेब, बड़ी करप्शन को खत्म करने के दावे किए हैं। जब जनरल जियाउल हक आए उस वक्त भी ऐसे दावे थे, जब परवेज मुशर्रफ आए उस वक्त भी ऐसे दावे थे, उससे पहले याया खां आए उस वक्त भी ऐसे नारे थे, फिर अयूब खां आए तो फिर तो मामला ही ये था। और करप्शन को खत्म, करप्शन आज तक खत्म नहीं हो सकी। करप्शन किसी एक दिन में, किसी एक कार्रवाई से खत्म नहीं होगी। ये एक मुसलसल जिद्दोजहद है और वो करनी पड़ेगी हमें, तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ। ये नहीं कि आपका जो मुखालिफ नजर आए, हमारे ये मीडिया में भी लोग बैठे हुए ऐसे दानिश्वर भी हैं, ऐसे भाड़े के टट्टू भी हैं, पता नहीं भाड़ा कौन उनका अदा करता है, जो कभी एक के खिलाफ कभी दूसरे के खिलाफ, और उनकी कोशिश है पूरा निजाम लपेट दिया जाए। अभी ये जो इन्होंने कहा है, राणा मशहूद साहब की बात की है, उनकी वीडियोस भी आई थी और फिर ऊपर एक कमेटी बनी थी मुस्लिम लीग नून की। तो बात यह है कि ये मामला रुकेगा नहीं। ये बात मैं आपको बता दूं, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। ठीक, अगर ये काम किसी कायदे जाब्ते में नहीं आएगा, और नैब के पास तो एक खुला मैदान है, जहां से शुरू हो जाए 1947 से शुरू हो जाए, 1945 से शुरू हो जाए, तो ये तमाशे जो हैं नहीं लगने चाहिए। सियासतदानों को एक दूसरे के खिलाफ एक ललकार कर आगे बढ़ने की बजाय ये समझना चाहिए, वक्त बदल चुका है, मीडिया बहुत वाइब्रेंट है, अदलिया आजाद है, तजर्बा बहुत हो चुका है, इसलिए वो करप्शन को तो तहफ्फुज़ नहीं दे सकते, लेकिन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर उनका कला कमा भी नहीं किया जा सकता। फिर ये आगे कहते हैं कि एहतसाब करना है तो सबसे पहले एक वफाकी वजीर का करें, जिन्होंने मजिस्ट्रेट के रूबरू शरीफ बरादरान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफी बयान दिया, फिर पता चलेगा कि नून लीग वाले कितने पारसा हैं। इसहाक डार साहब का बयान है और वो जनाब मुशर्रफ साहब के दौर में दिया गया, और जरदारी साहब के पास उन्होंने कहा है कि वो जो आईएसआई के पैसे, उनका भी जिक्र किया जी, असगर खान केस का जिक्र। आप देखिए परवेज, ये दौर जो था जरदारी साहब का, 5 साल उन्होंने हुकूमत की है, तो उस वक्त कार्रवाई कर लेते हैं वफाकी वजीर पर, उस वक्त जो आईएसआई के वो जो मामला था सुप्रीम कोर्ट ने उठाया था उस पर कार्रवाई कर लेते, उस वक्त खामोशी इख्तियार की। और अब भी देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि ये मामलात को किसी तरीके पे लाएं, गाड़ी को पटरी पे चढ़ाएं, और नवाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी है और जरदारी साहब की भी जिम्मेदारी है और अफवाज पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है, जो दहशत गर्दी के खिलाफ जो अज़्म है ना अपना, उसको कमजोर ना करें। और इसमें कसीदा पड़ा है और दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर जनाब उन्होंने नारे लगाए हैं, और जरदारी साहब ने कहा हम फौज के साथ हैं, और नवाज शरीफ साहब दहशत गर्दों को तहफ्फुज़ देना चाहते हैं। तो ये जो लहजा है, अब इसको हालात बदल चुके हैं, 90 की दहाई नहीं है, इसलिए लहजे भी तब्दील हो जाने चाहिए,
और करतूत भी तब्दील हो जाने चाहिए। आखिर में लिखा है कि मुतालबा किया कि सान है मॉडल टाउन की तहकीकात करने वाले जस्टिस नजफी कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर लाकर जिम्मेदारों को गिरफ्तार किया जाए। असगर खान केस का जिक्र किया, बात हो चुकी ना, ये मामला सबका है। यस, और बहुत से लोग इस मुल्क में दिन रात शोर मचा रहे हैं, उनका गैर नवाज शरीफ तक पहुंचे, पंजाब हुकूमत तक पहुंचे, यहाँ लोग पकड़े जाएं, और ये काम अगर इसी तरह का दबाव रहेगा तो तमाशे पता नहीं कहाँ कहाँ लगेंगे। एक राय ये भी सामने आ रही है कि वजीर आजम खुद तो नहीं चाहते कि इस तरीके से ये कार्रवाइयां हों जो हो रही हैं, तो फिर कौन चाह रहा है? देखिए, आज एक सारा अफजल तारड़ है, वो वजीर सेहत है, वो फरमाती है जनाब ये तो जो डॉक्टर आसिम है इन्हें तो जाली डिग्रियां दी थी और इन्होंने तो जनाब नर्सिंग स्कूल का बड़ा कर दिया, इन तो पीएमडी से का बड़ा, वो बीबी फिर आपने क्यों कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ? पहले क्यों खामोश? उस पर आप कार्रवाई करती वजीर सेहत थी, अब तो उनको रेंजर्स पकड़ के ले गई, तो आपको भी अपनी चोटें याद आ रही। तो ये सियासतदान सोच समझ के बोलने की आदत अपनाए, जरदारी साहब भी सोच समझ के बोले, कोई हर्ज नहीं है, और बाकी जो वजीर है वो भी, और मामलों को संभाले, दहशत गर्दों को बच के ना जाने दे, उनको टारगेट पे रखे। ठीक है, मजीद बात करते हैं नाज़रीन एक ब्रेक के बाद नुक्ता नजर के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, साबिक वज़ीर दाखला सिंध ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का बयान भी सामने है, वो कहते हैं करप्शन की कार्रवाइयों पर आसिफ अली जरदारी को अपना फंदा नजर आ रहा है। जब कराची में हलाकतें हो रही थीं तब जरदारी साहब का जमीर सोया हुआ था और सिंध की तकसीम पर जरदारी खामोश थे, ये कहना है साबिक वज़ीर दाखला का, और कहते हैं कि करप्शन के खिलाफ सिंध में जारी कार्रवाइयाँ अगर रोकी गई तो ये गद्दारी हो गई। ये तो उनका बयान आ गया, लेकिन सवाल जो मैंने ब्रेक से पहले छोड़ा था, मिर्ज़ा साहब जो है बस वो तो ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब है, फिर बाकी इतने काफी है, वो तो काफी है। ठीक है, ठीक है। सवाल ये था कि अब इस तनाव जो अभी मंजरनामा बन रहा है उसमें क्या आपको नजर आता है कि इमरान खान साहब और आसिफ अली जरदारी हुकूमत के खिलाफ इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि इससे पहले दोनों जमातें चारों अराकीन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हो चुके हैं कि ये मुस्ताफी हों? देखिए, वो इलेक्शन कमीशन के अरकान तो मुस्ताफी हो जाएंगे, उन पर आप दबाव डालेंगे या कोई और सूरत निकल आएगी, उसमें तो ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये पीपल्स पार्टी की कोशिश नजर आती है कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी हो, को उनके साथ मिलकर को अपनी ताकत में इजाफा कर ले, क्योंकि स्ट्रीट पावर तो इमरान खान के पास है। लेकिन मुझे लगता है इमरान खान का तो फलसफा ये रहा है कि मैं दोनों भाई हैं, सरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, अब अगर उनकी मुफाहमत होती है सरदारी साहब से तो फिर एक सियासत का की अजब सितम ज़रीफ़ी होगी, लेकिन बहुत कुछ पाकिस्तान में इस तरह हो चुका एक बार। लेकिन सर, एनिमीज़ अ फ्रेंड, दोस्त का दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब देखने की बात यह कि इमरान खान साहब को अपनी ताकत में इजाफे की जरूरत महसूस होती है या नहीं, या वो समझते हैं कि उनके पास ये ताकत मौजूद है जिससे वो जेरो जबर कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, दूसरी खबर ये भी थी कि अल्ताफ हुसैन साहब और जरदारी साहब के दरमियान कुछ मुलाकातों का भी सोचा जा रहा है, कुछ प्लान किया जा रहा है, और लंदन में इस सिलसिले में भी काफी हलचल है। ये हो सकता है कि जरदारी साहब, इमरान खान साहब, नहीं ये जो अल्ताफ हुसैन साहब, वो भी जख्म खुर्दा है एक दूसरे के, यानी जब अल्ताफ हुसैन साहब पर वक्त पड़ा था तो उस वक्त तो आसिफ जरदारी साहब ने आंखें दूसरी तरफ कर ली थी, और अब जरदारी साहब को उनकी जरूरत महसूस होती है। अगर फर्ज कीजिए, अवलन तो अभी बयान में वो दहशत गर्दी के खिलाफ जो कार्रवाई है उसकी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, पाक फौज के तराने भी गा रहे हैं, लेकिन फर्ज कीजिए अगर कोई जरूरत नजरिया जरूरत के तहत ऐसा मौका आया तो आ भी सकता है। तो अजहर जावेद है लंदन से, पूछ लेते हैं चीफ उनसे, जान लेते हैं कि लंदन में इस वक्त क्या सियासी मंजरनामा। अस्सलाम वालेकुम अजहर जी। वालेकुम सलाम जामी साहब, बताइए जनाब, ये आपके जरदारी साहब के क्या तेवर है यहाँ, और कोई अल्ताफ हुसैन साहब के साथ कोई सिलसिला हो रहा है उनका मुलाकात का? जी शामी साहब, सूरत हाल ये है कि लंदन में भी काफी पॉलिटिकल एक्टिविटीज इस वक्त तेज हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो जरदारी साहब यहाँ पर काफी दिनों से मौजूद हैं, अल्ताफ हुसैन साहब तो मौजूद ही थे, नवाज शरीफ साहब भी इधर हैं, तो इंतजार साहब भी, तो जो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के मुश्तरका दोस्त हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब और आसिफ अली जरदारी साहब को इकट्ठा बिठाया जाए, और इस सिलसिले में बैकडोर रबते भी हुए हैं। गुज़िश्ता तीन दिनों में हमारे जो सोर्सेज हमें बताते हैं कि मुलाकातें भी हो चुकी हैं इन रहनुमाओं के दरमियान, और कोशिश ये की जा रही है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात हो, क्योंकि सिंध में दोनों को ही जख्म लगे हैं और दोनों ही इस वक्त ऐसी सूरत हाल में है कि वो निकलना चाह रहे हैं, और इन दोनों का अगर तावन, इनके जो करीबी दोस्त है वो चाहते हैं अगर ये दोनों मिलकर इस सिलसिले में जदोजहद करें तो मामला बेहतर हो सके इनके लिए, और कोशिश इनकी यही है कि किसी तरह ये करप्शन के खिलाफ
ऑपरेशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर जावेद अल्ताफ जी। दोनों जो है एक दूसरे के जख्म पर मरहम रखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। हाँ, तो कोई मजाका नहीं है इसमें, लेकिन एक बात गौर कर ले कि हालात जरा मुख्तलिफ हो चुके हैं। जैसे करप्शन केसेस जो है ना, अगर उनकी तफसीलात ऐसी आएंगी या ऐसे हकायक सामने आएंगे कि लोग कायल हो जाएं कि हाँ ये करप्शन ऐसे हुई है, तो फिर उसका दफा नहीं किया जा सकेगा। बिल्कुल ठीक। अल्ताफ हुसैन साहब का हम जिक्र कर रहे थे, तो अल्ताफ हुसैन साहब पर आज लाहौर हाईकोर्ट ने उनकी तकरीर बराह रास्त नशर करने पर तमाम टीवी चैनल लाइव पाबंदी आयद कर दी है। देखिए, ये अल्ताफ हुसैन साहब जो है उनकी तकरीर क्योंकि अफवाज पाकिस्तान के बारे में नामुनासिब अल्फाज उसमें इस्तेमाल होते हैं, हमारी अदलिया के बारे में भी कुछ गैर मोहतात चीज़ें होती हैं, मुल्क के निज़ाम के बारे में, अदारों के बारे में, तो इसलिए ये जो हमारी आज़ादी तहरीर और तकरीर है, ये दस्तूर ने जो हमें हक दिया है ना, वो मादर पिदर आज़ादी नहीं है। ठीक, वो हदूद के अंदर है। ठीक, इसलिए अब जो हमारे फारूक सत्तार साहब बार बार कहते थे ना कि लाइव टेलीकास्ट करने पर जो पाबंदी है वो उठाई जाए, वो उठाई जाए, तो अब हाई कोर्ट में ये बात पहुंच गई है, तो कुछ तफसील उसकी। जी हाँ, मोहम्मद इशफाक साहब हैं, उन्होंने मालूम कर लिया, उन्होंने आज इस केस को वहां पर रिपोर्ट किया। अस्सलाम वालेकुम इशफाक, ये सबसे पहले बता दें, ये दरख्वास्त थी किसकी और क्या फिर डिसीजन आया सामने लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से? जी, ये चार मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजार थे और इन दरख्वास्त गुजारों में वो शख्स भी शामिल थे जो 5 साल कबल MQM का हिस्सा थे, राना फरहत एडवोकेट, चादरा से उनका ताल्लुक है, और उन्होंने भी इस दरख्वास्त में ये मौकफ इख्तियार किया था कि अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान के मुखालिफ और पाक फौज के मुखालिफ बयानबाजी करते हैं और मुल्क की सलामती इदारों के खिलाफ मसलसल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में ये जिक्र किया कि 15 मार्च 29 अप्रैल और 12 जुलाई को जो अल्ताफ हुसैन ने अपनी तकरीर की उसमें पाक फौज और रियासत के खिलाफ मसलसल बयान दिए जो कि आइन के आर्टिकल 62, 63, 245, 244 और 243 के खिलाफ है, लिहाजा इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करके इनकी तकरीर नशर करने पर पाबंदी आयद की जाए। तो इस मामले पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मजहर अली अकबर नकवी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने समाअत की और अदालत ने आज 4 दरख्वास्तों को बकायदा समाअत के लिए मंजूर कर लिया है और इसके साथ साथ अल्ताफ हुसैन की तकारीर बराह रास्त नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि फुल बेंच ने इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत, वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उसके अलावा अल्ताफ हुसैन और वजारत खारजा व दाखला से भी 7 सितंबर को तहरीरी जवाब भी तलब कर लिया। मगर आप ये बताएं कि ये तकरीरों के मतन भी साथ लगे हुए थे या उनके कोई उनकी कोई टेप्स भी साथ थी दरखास्त के? जी शामी साहब, तकरीर की उन्होंने तारीखें बता दी हैं अदालत को और जिस पर अदालत ने वजारत दाखला और खारजा से ये कहा है और वजारत तलाश से ये कहा है कि इन 4 तारीख में जो उन्होंने तकरीरें की हैं उनकी तहरीरी और वीडियो क्लिप्स जो हैं वो आइंदा समाअत पर अदालत में पेश किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक। साथ में बरतानवी शहरियत का रिकॉर्ड भी उन्होंने मांग लिया। बरतानवी शहरियत तो ऐसी है ना कि डुअल नेशनलिटी तो आप रख सकते हैं ना, लेकिन बहरहाल मामला क्योंकि अदालत में है तो अदालत फैसला कर लेगी और फारूक सत्तार साहब को भी और अल्ताफ हुसैन साहब को भी वकील करना चाहिए और अपना मौकफ पेश करना चाहिए और बताना चाहिए कि वो ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो कानून के और आईन के खिलाफ हैं कि नहीं है। ठीक, बहरहाल देखिए ये मामलात बास ऐसे हैं जो कानूनी तौर पर कानूनी वायलेशन है और हम मीडिया को भी हम पोस्टमैन नहीं है। ये हमारा कोई किरदार जो है ना डाकिये का है ना डाकखाने का है कि चिट्ठी किसी ने डाली हमने आगे पहुंचा दी। अगर कोई ऐसी बात नशर की जाएगी जो आईन की खिलाफ वर्जी होगी तो फिर हमें भी मोहतात रहना होगा, हमारे खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल ठीक नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ लाइव कॉल भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। वर्क में नाज़रीन शाम साहब, अभी वासे जलील साहब हैं, वो आपके शफीक दोस्त हों या ना, बिल्कुल है बिल्कुल है, वो ये कहते हैं कि अगर हों या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, MQM के रहने ठीक है, वो ये फरमा रहे हैं जनाब कि ये लाहौर हाईकोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं किया कि फिल्म फॉर पैमरा को कहा जाए कि पाबंदी लगा दी जाए। अभी लाहौर हाईकोर्ट ने यह कहा कि जितने भी रिस्पॉन्डेंट ऑफ सितंबर, तो ये थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं। तो दूसरा लगे तो मैंने उनसे भी पूछ लिया कि जनाब ये जरदारी साहब की और अल्ताफ हुसैन साहब की मुलाकात का इम्कान फ्यूचर में,
उन्होंने कहा जी फिलहाल फिलहाल कोई इंकार नहीं है, जरा उर्दू में बात किया करें, इतनी अंग्रेजी आपने बोली है, थी तो मैंने लोगों को इतनी अंग्रेजी नहीं आती जो सुनने वाले, वो कह रहे हैं कि अभी कोई मुलाकात इम्कान नहीं, लेकिन दूसरे नहीं कह रहे कि एजेंडा को तय किया चलिए भारत, मगर जो हमारे नुमाइंदे हैं अजहर जावेद साहब नहीं, ये जो कोर्ट रिपोर्ट मोहम्मद अशफाक उनका ये कहना है कि ऑर्डर हुआ है जबानी, अभी तहरीरी ऑर्डर भी आ जाएगा कुछ देर में तो उसमें और पाबंदी लगा दी गई है, वो इससे इत्तफाक नहीं कर रहे वासे जलील साहब ठीक है। दूसरा सुजैन राय साहिबा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं प्रेसिडेंट ओबामा की, पाकिस्तान आई थी चाइना से आई है, देखिए वो चीन के सदर जो है वो भी दौरा करने वाले हैं अमरीका का, और पाकिस्तान के वजीर आजम भी दौरा करने वाले हैं अमरीका का, और चीन के सदर और अमरीका के सदर का एजेंडा क्या होगा मुलाकात का, ये उन्होंने वहां गुफ्तगू की है, चीनी सदर से भी मुलाकात की और उसके बाद फिर हमारे वहाँ एक बड़े सीनियर जनरल उनसे भी मुलाकात की और अपने जो इख्तलाफात हैं और इत्तफाकात हैं उन पर गुफ्तगू हुई, फिर वो पाकिस्तान पहुंची और यहाँ वजीर आजम नवाज शरीफ से, फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहिल शरीफ से, फिर वजारत खारजा में जाकर सरताज अजीज साहब से और उनके रफका से तफसीली तबादला ख्याल किया, और बुनियादी बात तो वो एजेंडा है जो अमरीका के सदर से मुलाकात का है, लेकिन उसमें फिर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान के ताल्लुकात और तलखी भी ज़ेरे बहस आई, और पाकिस्तान ने कहा कि हमने अपना जो तफसील पेश कर दी है रॉकी एक्टिविटी की, बहरहाल ये खबर भी आई है, और दूसरी बात यह कि अफगानिस्तान में जो सूरत हाल बरपा है और वहाँ जो पिछले दिनों जो जिस तरह धमाके हुए और कत्लो गारत हुई उसमें पाकिस्तान के और अफगानिस्तान की हुकूमत के ताल्लुकात मुतासर हुए हैं, उसकी तरफ भी तवज्जो दी गई, उन्होंने कहा कि आपको कुछ और करना होगा, यानी हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ आपको इकदाम करना होगा, और पाकिस्तान ने $300 मिलियन कोलिशन सपोर्ट फंड का भी अमेरिका से मौसूल करना है, वो वसूल नहीं हो रहा, वो कहते हैं कि ये हक्कानी नेटवर्क को पहले आप तहकीक करें और फिर मामला होगा, जबकि पाकिस्तान का मौकफ यह है कि ये इस वक्त जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है वो अफगानिस्तान की सरजमीन से हो रहा है, और सरताज अजीज साहब ने यह बात कही है कि अमरीका चीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिलकर एक हिकमत अमली तरतीब दें, और तो ये अब देखिए इसके क्या असरात होते हैं, अमरीकी मीडिया ने इसको इसी हवाले से ज्यादा अहमियत दी है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टोरियां आप देख भी रहे होंगे, इसी तरह उन्होंने बयान किया है उनकी तरजीहात जो है अफगानिस्तान के हवाले से, इंडिया के हवाले से कोई खास अभी वहां उसको कवरेज नहीं दी गई, लेकिन वर्किंग बाउंड्री जो है उस पर जो इस वक्त कुछ तो खून जारी है उसकी कल उसकी तफसील भी बड़ी अंदोलनाक है, वो हम कल पेश करेंगे कल के और इस पर मजीद गुफ्तगु कल करेंगे इंशाल्लाह ठीक है। टेलीफोन लाइंस कुछ अगर हैं तो वो दीजिएगा हमें यहाँ पे प्रोग्राम में, और दूसरा आप जिक्र करते हैं कैप्टन उमैर मियां कह रहे हैं कि जनाब ये राजी साहब को 10 दफा सोचना चाहिए बोलने से पहले, और वक्कास अहमद हमारे एक व्यूअर हैं वो कहते हैं कि आज मेरी बेटी हरीम जो है पहली बार स्कूल में गई है, उसके लिए दुआ करें, चलिए दुआ करते हैं। आप देखिए याजा मुजाहिद जो हैं जमातुद्दावा के वो बहुत अलील हैं, उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया, शुगर बहुत हाई हुई, गंगाराम अस्पताल में जेरे इलाज हैं, उनके लिए दुआ करें, अभी मैं तो बाहर गया हुआ था मुल्क से वापस आया हूँ, दुआ करें उनके लिए अल्लाह ताला उनको शफा दे ठीक। बहरिया टाउन से कर्नल खलील साहब हैं, पर्सनल स्टाफ ऑफिसर हैं मलिक रियाज साहब के, चेयरमैन है बैरेटन के, वो टेलीफोन लाइन पर बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा कर्नल साहब बताइए, क्या आपका मुकदमा था आज सुप्रीम कोर्ट में? जी सर आज हमारा मुकदमा। अगर आप ये सुने, मैं तो लाहौर में नहीं था, बाहर गया हुआ था मुल्क से, सुना जुमे को आपकी आपके खिलाफ कार्रवाई जारी रही और जुमे की नमाज भी अदा नहीं की गई, और जुमे वाले दिन हमारे सुप्रीम कोर्ट में जुमे का वक्फा भी नहीं हुआ उस दिन, उस बेंच में जो आपकी समाप्त कर रहा था केस की, 10 कदम के ऊपर नमाज हो रही थी, लेकिन अदालत ना ही लोगों ने वहां पे नमाज पढ़ सके थे। अच्छा, किसी ने वहां दरखास्त नहीं कही कि हुजूर आप भी नमाज पढ़ लें, हमें भी पढ़ने दें? बाद में हमारे जो काउंसिल है सर जैद बुखारी साहब, उन्होंने कहा था तो उन्होंने फिर अदालत ने कहा कि आप हमें याद कराते हैं। नहीं, ये तो बड़ी एक संगीन कोताही है, क्योंकि कुरान करीम ने जुमे की नमाज की तो बड़ी अहमियत है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जुमे की नमाज के वक्त जो कारोबार बंद नहीं करते, मेरा दिल करता है वहां आग लगा दो, तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी संगीन कोताही हुई है, उन्हें इस पर मेरा ख्याल इस कोताही पर माजरत तलब करनी चाहिए, और ये एक ऐसी इंतहाई ऐसी सूरत हाल है जिसका तस्वुर नहीं किया जा सकता पाकिस्तान में। बहरहाल आज फिर क्या हुआ?
सर कल रात को जब हमें पता चला कि जैद बुखारी साहब जो सुप्रीम कोर्ट में हमारे काउंसिल हैं, मौजूद अदालत में पेशी के लिए लाहौर से आते हुए रास्ते में टूर प्लाजा के पास अचानक उनकी तबीयत खराब हुई ठीक और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। अच्छा, तो बैरियर टाउन की जो मैनेजमेंट कमेटी है सर उसने रात को ही अपनी मीटिंग बुलाई ठीक और मुझे ये इख्तियार दिया कि मैं मौजूद अदालत में पेश होकर चंद गुजारशात मौजूद अदालत में पेश करूं ठीक। उसमें सर उन्होंने मुझे बताया कि मैं मौजूद अदालत को बताऊं कि मलक रियाज हुसैन बैरियर टाउन की उनकी मालकियत नहीं है बल्कि 6.5 लाख मेंबर्स जिनका अरबों रुपया इसके अंदर इन्वेस्ट है वो बैरियर टाउन के मालिक हैं ठीक और तकरीबन 1.5 लाख या इससे ज्यादा लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त बैरियर टाउन के अंदर रहायश इख्तियार किए हुए हैं ठीक। वो तमाम लोग जो हैं वो अफेक्ट होंगे ठीक क्योंकि हमारे सीनियर काउंसिल आपका ख्याल है कि उन सबको पार्टी बनाना चाहिए। नो सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो है ना मुकदमा अदालत में ऐसे लगता है कि ये मुकदमा बैरियर टाउन के खिलाफ नहीं है, ये मलक रियाज के खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है ठीक है। तो आपका मतलब यह है कि मलक रियाज साहब जो हैं वो एक शख्स हैं जबकि 6.5 लाख लोग जो हैं बैरियर टाउन में जमीन रखते हैं, मकान रखते हैं, प्लॉट रखते हैं। जी सर, और वो सर जो हेयरिंग होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अखबारों में आता है टीवी में आता है तो वो 6.5 लाख लोग अफेक्ट होते हैं उसे ठीक ठीक। क्योंकि हमारे सीनियर काउंसिल जो है सर चौधरी इतराज साहब वो यूनाइटेड नेशन में नुमाइंदगी के लिए गए हुए हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए ठीक। जैद बुखारी के साहब के साथ ये अचानक बीमारी का मसला हो गया सर। तो फिर आज हुआ क्या, फिर क्या क्या बात क्या हुई, फिर नतीजा हालात में सर मेरे लिए चूंकि हमारा कोई भी लायर मौजूद नहीं था तो मेरे लिए ये मुमकिन नहीं कि मैं मौजूद अदालत में बहस करूं क्योंकि मुझे कानूनी अमूर पे ठीक अबूर नहीं है। फिर क्या, फिर अदालत ने क्या कहा? और सर अदालत से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे 2-4 मिनट दें ताकि हम बता सकें ताकि ये 6.5 लाख लोग जो है ये अफेक्ट ना हो ठीक। मेरे सर मुझे इसके बावजूद ना 1 मिनट की बोलने की इजाजत नहीं दी गई ठीक। और हमारा केस शाम को 5:35 तक चलता रहा अदालत में ठीक है। और कल फिर होगी आपकी समाप्त? अभी कल नहीं है सर, फिर उन्होंने परसों के लिए ये केस दोबारा रख दिया। चलिए, आपके वकील जो होंगे फिर उनसे गुफ्तगू करेंगे, तफसील मालूम करेंगे क्या है। लेकिन असल बात यह है कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कच्ची आबादियों का केस है वहां इस्लामाबाद का ऊपर एक यानी हैरत अंगेज एक तरीके से उसको टेकअप किया है और कहा है कि जो गरीब लोग हैं इनके इनकी भी कोई सुनवाई होगी, इनके लिए भी कोई प्लान करेगा। बड़ी बड़ी कोठियों वाले जो उनके घरों में काम करने वाले हैं ठीक, उनकी कोई सुनवाई नहीं है उनको आप बिल्कुल। और एक दिन में आबादियां बन गई हैं, इनको अपना अटैक करना चाहते हैं, मिसमार करना चाहते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अब ये जो लोग यहाँ बस रहे हैं ये भी तो पैसे करोड़ों रुपए दे चुके हैं। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो गया, मालूम करेंगे फिर बात कल करेंगे। लेकिन कुछ मैसेजेस हैं। लियाकत राणा साहब हमारे दुनिया न्यूज कराची के रिपोर्टर, ये कह रहे हैं कि 90 रोजा रिमांड नहीं था, 90 रोजा डिटेंशन पे रेंजर्स के हवाले किया गया डॉक्टर आसिम को। अच्छा, फिर नूरुल्ला सिद्दीक 90 रोज तक वो रेंजर्स की तहवील में तहवील और रेंजर्स उनसे दिल बहलाती रहे। ये यूं कह लीजिए, नूरुल्ला सिद्दीकी साहब हमारे पाकिस्तान अवामी तहरीक के तर्जुमान, वो ये कह रहे हैं कि शुक्र है किसी तरह तो जरदारी साहब को सानिया मॉडल टाउन का इदराक हुआ आज जिक्र कर रहे हैं। ये तो लगता है कि ताहिरुल कादरी साहब जो हैं ठीक है, उनकी कुछ दुआएं कबूल हुई हैं। और वैसे ताहिरुल कादरी साहब की तबीयत भी सुना खराब है, अल्लाह ताला होने वाली, अल्लाह ताला उनको जनाब। और आखिरी तबसरा ये था कि जराए से कुछ यूं मालूम हुआ है, दिया रंज बुतों ने तो खुदा याद आया जरदारी साहब को, ये शेर तो कहा जाता है, ये बिसरा सुनाया जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। आखिरी तबसरा ये था कि एक खबर यूं भी आ रही है कि जो सुजैन राइस के साथ मुलाकात हुई थी उसमें जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ केस बिल्डअप किया या अमेरिका क्या कोई किरदार अदा कर सकता है इस मामले में नहीं, तो खबर ये है कि कुछ मुस्बत इशारा नहीं मिला अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को, पाकिस्तान इंडिया के मामले में, इंडिया के मामले नहीं, इंडिया के मामले में तो पाकिस्तान को देखना पड़ेगा खुद। लेकिन अभी वहां हमारे एक दोस्त गए थे, कल बात करेंगे उनसे, वो इंडिया से खबरें लेके आए हैं कल कैसा मंजर है वहां, वो वहां भी एक जज्बाती मंजर बला का है ठीक है। कल नाज़रीन मज़ीद इन्हीं मौज़ूआत पर बात होगी, तब तक लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।